नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से कहानी में वाकई में एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए प्रीता की, तो प्रीता का आमना सामना करण के साथ होगा और वहीं पर ही अब राजवीर को कसूरवार ठहराते हुए नजर आ रही है आखिरकार लूथरा फैमिली। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि लूथरा फैमिली में कुछ लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ भी हैं कि उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। हालांकि दोस्तों अब कहानी एक अपना अलग ही रंग बदलती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं राजवीर के खिलाफ पुलिस एक्शन लेते हुए। हालांकि दोस्तों अब करण सभी को सॉर्ट आउट करता हुआ नज़र आने वाला है। करण बोलता हुआ नज़र आएगा कि प्रीता याददाश्त भूल चुकी है और ये कोई राजवीर कोई और नहीं है, बल्कि राजवीर हमारा खुद का बेटा है, खुद का बच्चा है, खुद का खून है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए वाकई में एक और नया जोरदार ट्विस्ट लेकर आने वाली है। बात की जाए इस समय की, तो इस समय की बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां आप लोग जानते हैं कि इस समय सबसे बड़े वाइंड फोकस में लगी हुई है आखिरकार प्रीता। हालांकि दोस्तों प्रीता इस चीज़ को साफ साफ बोलने से इनकार कर देगी कि वो इस घर से कोई ताल्लुकात रखती है। लेकिन दोस्तों राजवीर को पूरा पता है कि आखिरकार हुआ क्या है और कैसे हुआ है। हालांकि राजवीर का मानना यह है कि शौर्य को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि शौर्य ने हम लोगों की जिंदगी ख़राब कर दी है और इसका बदला हम लोग किसी भी कीमत पर लेके ही रहेंगे। क्योंकि दोस्तों शौर्य की दिल की आग अभी ठंडी नहीं हुई है, उसने बोल दिया है कि मैं अपना टारगेट खुद ही देख लूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, लव यू गाइस एंड लव यू ऑल।